हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास की बुक राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। आज हम करने वाले हैं अध्याय 4 राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। चलिए आज का चैप्टर पढ़ते हैं। आप लोग साथ साथ में ही इनको याद करते जाइए। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहां की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। तो हम जानते हैं कि जो भी वेशभूषा हम लोग पहनते हैं, वहां की जलवायु, वहां पर उपलब्ध जो भी संसाधन है, वहां का जैसा कल्चर है, उससे प्रभावित होते हैं वहां के वस्त्र। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। तो हम अगर पूरे इंडिया की बात करें तब भी राजस्थान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वेशभूषा की संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है यहाँ के वस्त्रों को देखकर। क्योंकि राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात क्या है, यहाँ जो वस्त्र होते हैं इनका विरंगापन, यानी कि बहुत तरह के रंग जो है वो वस्त्रों में दिखाई देते हैं। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, परंतु जो लाल रंग है उसमें जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह तो अद्भुत है। यानी लाल रंग की भी एक नहीं कई वैरायटी हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजय तीन रतन, एक डोला दूजी मारवाड़ तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग यानी लाल रंग। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पुरुष परिधान की, पुरुषों के वस्त्रों की। कालीबंगा और आहार सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन रहा है। तो हम लोगों ने जब सभ्यताएं पढ़ी थी वहां देखा था हमने कृषि के प्रमाण मिले हैं, सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। यानी इन सभ्यताओं के काल से ही हमें सूती वस्त्र, रुई का प्रयोग जो है वो मिला है। ठीक है, तभी से सूती वस्त्र का प्रयोग जो है वो चलन में रहा है। इन स्थानों से उत्खनन में, खुदाई में प्राप्त रुई, कातने के चक्र, तकली, इनको देखकर पता चल जाता है। यानी इस बात की ये प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहां राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती और ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े कहां देखते हैं हमें, गांव में। इसके सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग जो है वो कम किया जाता है। यानी मोस्टली लोग जो है वो क्या पहनते हैं गांव में, धोती पहनते हैं और ऊपर ओढ़ने के लिए पछेवड़े का प्रयोग करते हैं। और सर्दी में अंगरखी का प्रयोग जो है वो प्राचीन परंपरा के ही अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। जिस सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों का लटका कर पहनी जाती थी, धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। तो हमें प्रमाण मिलते हैं देखकर, आप लोग फोटोज वगैरह में भी देखते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स में दिखती है आपको कि मोटी पगड़ी गोलाकार ये सर पर पहनी जाती है, धोती जो होती है वो घुटनों तक, अंगरखी जांघों तक होती है। तो ये तो हम लोगों ने देखी हुई है, आप लोगों ने भी देखी हुई, टीवी वगैरह सीरियल में देखा होगा। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियां और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों के लिए बिल्कुल जनरल बात है, कुछ भी लिखने का नहीं है ना ही याद करने का है। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सभी क्या है, ये सभी पगड़ियों की शैलियां हैं। आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सभी क्या है, पगड़ियों की विभिन्न शैलियां। ठीक है, ये लाइन आप याद रखेंगे क्योंकि इनमें से ये बिल्कुल थोड़ा सा आपको याद करने में कठिनाई होगी, लेकिन देखिए सबके अंत में क्या लगा हुआ है, शाही। ठीक है, अटपटी जो है इसके अंत में नहीं है, बाकी सभी के पीछे शाही लगा हुआ है। ये है पगड़ियों की विभिन्न शैलियां। चार दे दिए जाएंगे ऑप्शन, जिसमें से एक जो है वो अलग होगा, तो आप इनको याद रखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। तो सुनार जो है वो आटे वाली पगड़ी,
बंजारे जो हैं वो मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी, अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन जो है आ रही है, बिल्कुल आपको एक एक चीज जो है वो याद रखनी है, कैसे अब किस किस अवसर पर पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी जो है वो विवाह के उत्सव पर पहनी जाती है, लहरिया सावन में पहनी जाती है, दशहरे पर मदील और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है, और ये होली पर भी पहनी जाती है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गौसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। तो यहाँ पर देखिए याद रखनी है आपको, एक तो पगड़ियों की शैली अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजानी, सुनार आटे वाली पगड़ी, ओटे वाली पगड़ी, और बंजारे मोटी पट्टीदार पगड़ी। इसके अलावा मोठड़े जो है उसकी पगड़ी जो है वो विवाह के अवसर पर, सावन में लहरिया, दशहरे पर मदील और फूल पत्ती छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, याद रखना है उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। तो ये चार लाइनें जो है ये अब तक की आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। तो हम सब जानते हैं इस लाइन का अर्थ। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। तो पता है हमें कि पगड़ी की लाज रखना इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि हमारी जो इज्जत है वो बनाए रखना। ठीक है, सम्मान देने के लिए भी ये लाइनें जो है वो बोली जाती हैं। तो इसके साथ साथ तेज धूप से सिर की रक्षा के लिए सामाजिक और धार्मिक इन भावना को व्यक्त करने के लिए भी पगड़ी जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुख, दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, डोड़ी, कानू, डगला। तो ये इसके अन्य नाम हैं, किसके, अंगरखी के। अंगरखी को विविध प्रकार और आकार में बनाया जाने लगा और समय के अनुसार जो है वो इनके नामों में परिवर्तन हुआ। तन सुख, तन यानी शरीर, शरीर को सुख देने वाला, तन सुख, दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, डोड़ी, कानों और डगला। ठीक है, सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी, शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को उन्होंने अपना लिया है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है, इसको बहुत ही इजी वे में पहना जा सकता है। तो जो परंपरा चली आ रही थी राजस्थानी वेशभूषा की, वो उसमें परिवर्तन आया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट जो है वो अभी भी अपना स्थान बनाए हुए है। ठीक है, तो कई शादी विवाह होते हैं तो बंद गला और जोधपुरी कोट जो है वो बनवाया जाता है, पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो पुरुषों के जो परिधान है वहां से प्रश्न जो है वो लगभग कम आते हैं, लेकिन यहाँ स्त्री के परिधानों और आभूषणों से क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्त्री परिधान। जिस प्रकार पुरुष परिधान अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थीं, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया। तो देखिए प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां जो हैं वो अधो वस्त्र पहनती थी, जिन्हें हम आज बोलते हैं घाघरा। ठीक है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई, कसीदे ये काम भी प्रचलित हो गया। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की,
राजस्थान की गुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। तो हम इसको पढ़ चुके हैं इस लाइन को ऊपर ही। इसका छोटा रूप क्या है? लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। किसका? कुर्ती का। कुर्ती के नीचे कांजली अर्थात बाह वाली अंगिया जो है वो पहनी जाती है। तो देखिए, कुछ बच्चे जो राजस्थान के नहीं है तो उनको ये शब्द जो है वो थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, लेकिन आपको भी ये जानना है कि देखिए, कुर्ती जो होती है उसके नीचे क्या पहनी जाती है? कांचली। बाह वाली अंगिया जो है वो पहनी जाती है और नीचे जो है वो क्या पहना जाता है? घेरदार कलियों वाला घाघरा या सिंपल घाघरा। ठीक है, तो ये ऊपर के वस्त्र हैं, घाघरा जो है वो नीचे का होता है। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे, यथा चोल, निचोल, पट, दुकूल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चौरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, ढोरा वाली साड़ी। ये सभी साड़ियों के नाम हैं। तो जहां वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं तो वही हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। पट हो गया, दुकूल हो गया, वसन हो गया, चीर पटोरी हो गया, चौरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली साड़ी। ये सभी साड़ियों के नाम हैं। चूंदड़ी और लहरिया जो कि राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है, और हम जानते हैं कि श्रावण माह में महिलाएं जो हैं वो इस तरीके की साड़ियां पहनती हैं, राजस्थान में विशेषकर चूंदड़ी और लहरिया वाली साड़ी। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीर ए बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरुखशाही, छींट, बाफ्ता, मोमजामा, गंगाजली, इन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, स्त्रियों के जो परिधान हैं, कई प्रकार के कपड़े हैं, जैसे जामादानी है, किमखाब है, टसर, छींट, मलमल, मखमल है ना, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीर बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरुखशाही, छींट, बाफ्ता, मोमजामा और गंगाजली। ये सभी क्या है? परिधानों के प्रकार हैं, वो भी किसके? स्त्रियों के। तो थोड़ा सा आप इनको एक दो बार बार बोलेंगे लगातार तो आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, रटना क्या है, आपको इन चीजों को समझ लेना है। समझोगे आप तो ये चीजें आपको याद रहेंगी, नहीं तो पुरुषों के परिधान और स्त्रियों के परिधानों में कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो ऐसा करिएगा कि एक पेज में एक साइड में पुरुषों के परिधान लिखना है आपको, एक साइड में स्त्रियों के, जो किन नामों से इनको जाना जाता है, तो ये आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से पूछा जाने वाला है। इनमें से चार में से तीन नाम आपको ले देंगे और चौथा जो है वो पुरुष के परिधान जो है वो दे देंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए, देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहां क्रम से कपड़े सिले, रंगे और छापे जाते थे। तो जो सवाई जयसिंह थे, उनके समय से ही कारखाने जो हैं वस्त्रों से संबंधित ये कारखाने थे। तो जहां पर कपड़ों की रंगाई, छपाई, ठीक है, ये की जाती थी। तो थोड़ा सा आप इस चीज को याद रखना है आपको, सवाई जयसिंह के समय। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियां, साफे, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखी प्रमुख हैं। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया और चुंदरी है। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि बातें भी रंगते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आपको लिखना नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि राजस्थान में सभी तरह के रंगों का, विशेषकर लाल का जो है, उसके भी अलग अलग विविध तरीके के लाल रंगों का प्रयोग जो है वो वस्त्रों में देखने को मिलता है। पोमचा का अर्थ क्या होता है? अब देखिए, कई बच्चों को नहीं पता होगा, पोमचा का अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। कब पहनी जाती है? नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से, यानी कि जो नवजात शिशु की माँ होती है उसके पीहर से ये आता है, पीला पोमचा।
और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटी सी बात है कि पीला पोमचा जो है वो बेटे के जन्म पर और गुलाबी पोमचा जो है वह बेटी के जन्म पर पीहर पक्ष से आता है नवजात शिशु की माँ के लिए। ठीक है, ये ओढ़े ओढ़नी है, ओढ़ी जाती है, इसका नाम क्या है? पोमचा। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया कपड़े पहनते हैं। तो तारा भात की ओढ़नी होती है, लहरिया होती है, तो हम जानते हैं सावन में यहाँ या फिर तीज में पहनी जाती है। ये लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहनी जाती है। ठीक है, तो याद होगा आपको पचरंग लहरिया, आप लोगों ने सुना भी होगा। इसका अर्थ होता है कि वह 5 संख्या जो है वो शुभ मानी जाती है, इसीलिए उसमें 5 कलर जो है वो आपको मिलते हैं। किसमें? लहरिया में। कब पहनी जाती है? सावन में, विशेषकर तीज के अवसर पर। लहरिये की कई भांतें प्रचलित हैं। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगढ़ राजा शाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो मोठड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं, इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है, ठीक है, जो कि शुभ माना जाता है, इसीलिए 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो क्या है आपको? एक तो ये है कि यहां से देखिए, जयपुर के रंगरेज और नीलगढ़ राजशाही लहरिया रंगते हैं, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती हैं। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो, यदि आड़ी धारियां एक ओर से हो तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो। देखिए, आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया, तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। और समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं, इसमें चौड़ी चौड़ी धारियां जो है वो आड़ी धारियां होती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही पता लगा होगा कि लहरिया जो है वो आपको कैसी दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें गुलाबी रंग की आड़ी जो रेखाएं हैं वो बनती हैं, और दूसरी ओर से ऐसी भी होती हैं जिसमें आड़ी रेखाएं होती हैं और उनको काटती हुई जो है वो और दूसरी रेखाएं होती हैं, इनको मोठड़ा कहते हैं। बद्ध तकनीक में चुनरी की बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना तो होता ही नहीं है। जोधाड़ा अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। सीकर के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। तो सीकर सिकावटी क्षेत्र में बंदेज जो है वहां पर बारीक बंदेज जो है वो काम होता है, बारीक बंदेज का। ठीक है, और बद्ध तकनीक में चुनरी की बंदेज जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि पहले राजस्थान में मलागिरी मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय की अंगरखिया अभी तक सुगंधित है, यानी अभी भी उसमें खुशबू आ रही है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमोबा का प्रयोग जो है वो कौन करते थे? शिकारी लोग करते थे। आज चपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में ही होता है। पीपाड़, जोधपुर, पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले, हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, अजरक प्रिंट या अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है बाड़मेर। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है कि दोनों ओर की छपाई, इसमें क्या होती है? दोनों ओर छपाई मिलती है। इसके अलंकरण ज्यामिति होते हैं और तुर्की टाइटलों से बहुत मिलते हैं।
आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षण बनाने के लिए तोता, मोर ऐसे ही फूल पत्ती पीले गुलाबी हरे रंग जो है इस पर बना दिए जाते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छीपों का अकोला कहलाता है। अब देखिए बाड़मेर की अजरक पद्धति और अकोला छपाई के लिए फेमस है, और अकोला को तो क्या कहा जाता है, छीपों का अकोला। इसके अलावा बगरू जो कि जयपुर में है अपने शाह बेगर काला लाल छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो मिली है। पैराग्राफ जो है वो तो हमको पढ़ना ही होता है, सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर जो है वो करना ही पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन जो होती हैं जिनको आपको याद रखना है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते हैं, कौन करता है, शिकारी, किसका प्रयोग, अमोवा का। और बाड़मेर की कौन सी अजरक पद्धति छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। अकोला यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर छपाई होती है। बगरू अपने शाह बेगर यानी काले लाल छपाई के लिए विख्यात है, और अकोला को तो छीपों का अकोला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर छपाई का काम होता है। सांगानेर जयपुर में, तो हमने देखा जयपुर की कि बगरू प्रिंट और सांगानेरी। अन्य स्थानों में भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं, यहाँ पर तो बहुत ही अलग ही टाइप के बहुत ही मन को भावने वाले अलंकरण जो है वो छपते हैं। कैसे, आपने देखा ओढ़नी पर तोता मोर फूल पत्ती, ठीक है, ये सभी जो है वो छपाई होती है। यहाँ के छीपों का प्रमुख योगदान सुंदर सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होती है मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। तो देखिए हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि एक ही वस्त्र के ऊपर कितनी बारीकी से काम जो है वो किया जाता है, जो कि हमें, हम तो उसका क्या देखते हैं, संपूर्ण चीज देखते हैं। जैसे कि हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसमें हम संपूर्ण का अध्ययन जो है वो पहले कर लेते हैं, हम पहले सारे जो उसका ओवरऑल जो है वो चीज देख लेते हैं, लेकिन बारीकी में हम बाद में जाते हैं। तो वो बारीकी जो है जिसमें इतना ज्यादा मेहनत होती है, इतनी ज्यादा कारीगरी होती है, यदि हम ध्यान से किसी वस्त्र को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये तो इतने अच्छे तरीके से किया गया है जैसे किसी मशीन ने कार्य किया हो या किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन किया गया हो उस व्यक्ति के द्वारा, और फिर ये कार्य किया गया हो, ठीक है। तो अब आप जो है जो भी कपड़े आप देखते हैं जहां पर रंगाई छपाई होती है तो उनको ही बहुत ध्यान से देखेंगे कि बनाने वाले जो हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। क्या आप जानते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान क्षेत्र या देश के साथ होता है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुख मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते हैं। तो बुनकरों के द्वारा जो है वो कैथून मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुख मथानिया की मलमल, जोधपुर की, बीकानेर और जैसलमेर की ऊन, ये सभी मूल्यवान परिधान बनाने के काम में आते हैं, वस्त्रों को बनाने के काम में आते हैं। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। यह जालौर और मारोट कस्बों में अच्छी बनती है। क्या, टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है और ये जालौर और मारोट कस्बों में अच्छी बनती है। वही देखिए कि वस्त्रों को सजाने के लिए, अब देखिए नाम ही है चटापटी, वस्त्रों को सजाने के लिए। चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर, ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, कौन सा, चटापटी वाला। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी आकृति को
कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। ठीक है, एक बिल्कुल कपड़ा होता है अच्छा, तो उस कपड़े में जैसे कि फूल जो है वो आपने दूसरे कपड़े का बनाया, तो यहाँ पर आकृति जो है वो कपड़े की काट दी जाती है फूल के बनावट की, और दूसरा कपड़ा जो है काटकर उस पर जोड़ दिया जाता है, टांग दिया जाता है। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट बैल आदि की झूले, बहली रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऊंट के ऊपर जो सजावट होती है, उसके ऊपर जो परिधान पहना जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक कपड़ा होता है और उसके अंदर जो है वो दूसरा कपड़ा जोड़ा जाता है, जॉइंट किया जाता है। पहले उसको उसकी आकृति के बराबर काट लिया जाता है और दूसरे कपड़े को लाकर उस पर जोड़ दिया जाता है वस्त्रों को। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है कि चटापटी जो है वो किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीजें समझा दी है कि किसी आकृति के कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांगना क्या कहलाता है, चटापटी। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बैल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। तो देखिए, गोटे के विविध प्रकार, गोटा, लप्पा, लप्पी और बांकड़ी, ये सब किसके हैं, जो गोटा होता है जो कि चुनरी होती है उसके साइड में लगाई जाती है। सुंदरता को और अधिक, उसे और अधिक भड़कीला बनाने के लिए क्या करते हैं, गोटा लगाते हैं। तो ये सभी नाम जो हैं वो गोटे के प्रकार ही हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमस्या, आठ मस्या आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा, लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन याद रखनी है कि जो चौड़ा गोटा होता है उसे बोलते हैं लप्पा, और जो कम चौड़ा होता है उसको बोलते हैं लप्पी। ठीक है, राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने गोटे के बारे में अभी क्या क्या बात की, हमने बात की कि एक तो हमने बात की चटापटी की। चटापटी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि आकृति काट दी जाती है कपड़े में से और दूसरे कपड़े की आकृति जो है वो उसमें टांग दी जाती है। हमने गोटे के प्रकार देखे, गोटा, लप्पा, लप्पी और बांकड़ी, जिसमें हमने लप्पा देखा जो कैसा होता है, चौड़ा होता है काफी, लप्पी जो होती है वो कम चौड़ी होती है, और सीकर जिले का जो खंडेला कस्बा है वो गोटा के लिए प्रसिद्ध है। सीकर और झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पे कसीदे का काम करती हैं, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। देखिए, और किसी भी आप स्टेट देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार का कार्य जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, आप स्त्रियों के चाहे परिधान लें, चाहे जैसे घर की जो चादर होती है, बेडशीट होती है, वहां पर भी देखें तो आपको बैल, हाथी, घोड़े, ऊंट, मोर, फूल पत्तियां, बेल, ये सभी आपको दिखाई देती है, जो कि राजस्थान में इन चीजों का क्या है, प्रचलन है। बहुत अधिक सुंदरता दिखाने के लिए, उस वस्त्र को और अधिक सुंदर बनाने के लिए, भड़कीला बनाने के लिए ये कार्य जो है वो किए जाते हैं। अब देखिए, सीकर और झुंझुनू की स्त्रियां जो है लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। और हमने यही देखा कि सीकर में ही गोटा उद्योग जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पेच वर्क। तो दो पॉइंट हमने देखे, एक हमने क्या देखा था पहले, चटापटी, दूसरा हमने देखा पेच वर्क। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर क्या की जाती है, सिलाई की जाती है। यहां पर पहले उस चीज को काटा नहीं गया है वस्त्र में से, सिर्फ दूसरे रंग के कपड़े जो होते हैं उनको उठाकर कपड़े पर सिलाई कर दी गई है। लेकिन हमने चटापटी में देखा था कि वहां तो फूल के आकार का कपड़े में से काट लिया जाता है और दूसरे रंग के कपड़े वो भी फूल के आकार का काट के उसमें टांका जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर जो है वो चटापटी और पेचवर्क में याद रखना है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया,
चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। तो इन सब बातों को जो लड़कियां होती हैं वो उनको तो पता होता है, लेकिन लड़कों को नहीं पता होता है कि क्या होता है। ये एक तरीके की सिलाई के प्रकार ही होते हैं, उल्टी बकिया, चैन या लंबे छोटे टांके। ठीक है, बड़ी बारीक ढंग की ये कैसी होती है? कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चुगा, अंगरखी आदि पर भी कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है, तो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में भी ऐसी कढ़ाई जो है वो प्रचलित है। तो जहां पर जो लड़के होते हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को ये चैप्टर जो है वो बहुत इजी लगने वाला है, ऐसा नहीं है। पुरुषों के प्रधान जब हैं, लड़कियां उनको याद करेंगी तो उनको वहां पर भी मुश्किल आएगी। ठीक है, तो दोनों का ही बराबर का काम है यहाँ पर याद करने का। ठीक है, क्योंकि स्त्रियों के परिधान और पुरुषों के परिधान हमने दोनों ही पढ़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं आभूषण। अब हमने परिधान देख लिए, नेक्स्ट है हमारा आभूषण। तो ये चैप्टर जो है वो हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह होती है। बिल्कुल, आप भी चाहते हैं सुंदर, हर इंसान चाहता है कि वो सुंदर बने। तो राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है, यानी वो भी यही चाहते हैं कि सुंदर बने राजस्थान के निवासी। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा और आहार सभ्यता में। हमने देखा कालीबंगा को हम कहते हैं काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तो यहां से ही हमें ये पता लगता है कि स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण जो है वो पहनती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ये भी ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां, कड़े, पैरों में खड़वे, गले में लटकन ये हार भी पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। जो निर्धन स्त्रियां थी वो कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से भी खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। ओवरऑल खुद को सुंदर बनाने के लिए आभूषण जो है वो धारण किए जाते थे। अब हमने देखा प्राचीन काल में, उसके बाद देखिए मध्य काल तक आभूषणों की बनावट में परिवर्तन आ गया। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियां देखी जा सकती हैं। ओशिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकड़, नूपुर मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। तो यहाँ कुछ भी आप लोगों के लिए नोट करने वाली बात नहीं है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टिकड़ा कहा जाता है। और कंठ यानी गले में धारण किए जाने वाले आभूषण है थमरनियों, थेड़ियों, आड़, मूठिया, झालरा और ठुस्सी। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, ये गले में पहने जाने वाले हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख है। और कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी आदि। और हाथों में कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी, कातरिया, कांच की चूड़ी, नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, ये सब प्रमुख हैं। तो देखिए ये जो पैराग्राफ है वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर स्त्रियों के सिर से लेकर और पैर तक जो भी आभूषण है वो आपको इस पूरे पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। तो हमने देखा कि सिर पर जो है वो क्या पहना जा रहा है, बोर, बोरलो, शीशफूल, रखड़ी और टिकड़ा। गले में जो है वो क्या पहना जा रहा है, थमरनियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी। इसके अलावा तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरीकंठी, ये सब किसमें पहने जा रहे हैं, गले में। और कानों में जो पहने जा रहे हैं वो देखिए कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी, ये सभी किसमें पहने जा रहे हैं, कानों में पहने जा रहे हैं। हाथों में पहने जाने वाले जो हैं कड़ा, कंकड़, मोकड़ी और कातरिया, नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, ये सब कहाँ पहने जा रहे हैं, हाथों में।
उंगलियों में वीटी दामड़ा हथपान छड़ा पाँव में कड़ा लंगर पायल पाजेब घुंघरू नुपुर झांझर नेवली ठीक है। और नाक में नथ बेसर बारी बोंगली कांटा चूनी चोप भंवर कड़ी। इसके अलावा कमर में कंदोरा और करधनी जो है वो पहने जाते हैं। दांतों में भी देखिए, दांतों में भी आभूषण है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल जो है वो चढ़ाई जाती है, इसको हम रखन कहते हैं ठीक है। दांतों में जो सोने की पत्थर जो है वो चढ़ाई जाती है उसको हम रखन कहते हैं। और दांतों के बीच में सोने की कील जो है उनको बोलते हैं चूप। सोने की कील जो जड़वाई जाती है उसको बोलते हैं चूप। और रखन क्या है, दांत के ऊपर ही सोने की जो पत्थर है वो चढ़ाई जाती है ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते थे। तो हमने ये जो ऊपर पैराग्राफ में देखा ये सभी स्त्रियों के पहने जाने वाले आभूषण है। पुरुष जो है वो क्या पहनते हैं, पुरुष देखिए क्या पहनेंगे, कानों में मुरकिया लोंग झाले छैलकड़ी हाथों में बाजूबंद कड़ा नरमुख उंगलियों में अंगूठी बीठिया मुंदड़िया ये पहनते हैं। तो स्त्रियों के जो है वो काफी आभूषण है जिनको याद करना होता है, और परेशानी भी आती है इन आभूषणों को याद करने में, क्योंकि इनमें से बहुतों के नाम जो है वो आपने पहली बार ही सुने होंगे ठीक है। या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जब आपके आगे जो है ये नाम आए हैं, इससे पहले आप लोग ये चीज जानते ही नहीं थे। कुछ के नाम तो आप जानते थे लेकिन बहुत जो है वो नहीं जानते थे। आपको यही नहीं पता होगा कानों में मुरकिया और लौंग के अलावा कि पुरुषों के द्वारा झाले छैलकड़ी हाथों में बाजूबंद कड़ा नरमुख उंगली में अंगूठी बीठिया और मुंदड़िया जो है ये भी पहनी जाती है ठीक है। जो कि आप अन्य राज्यों में देखेंगे तो वहां पर पुरुषों के या स्त्रियों के इतने ज्यादा आभूषण जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। तो राजस्थान की जो संस्कृति है वो बहुत ही अनूठी संस्कृति है पूरे भारत में। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते थे। तो देखिए, बच्चों को भी पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली हाथ और पांव में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहने जाते हैं। तो इनको तो याद करने में बहुत आसानी होगी। हाथ और पांव के कड़ों को अब क्या कहते हैं, जो बच्चों को हाथ और पांव के कड़े पहनाए जाते हैं इनको कडूलिया कहते हैं। पांव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरिया फांदी जाती है झांझरिया या झांझरिया ये कहलाती है, इसे पेंजड़ी भी कहते हैं। कहाँ पहनी जाती है, पैरों में। राती छींतरी में सोने का खेरा मूंग का आखा और रत चनड बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार जिसमें रत्यावड़ी गांठ गुमड़े नहीं हो नजरिया कहलाता है, जिससे कि बच्चे को नजर ना लगे। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क जो है वह भी पहनाई जाती है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा याद करने का नहीं है, फिर भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, कोई भी चीज जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोग हर पॉइंट जो है वो भी देखेंगे और याद भी करेंगे ठीक है। तो स्त्रियों का जो पहनावा है यहाँ आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, इनको आप तो पक्का ही याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, इन्हीं चित्रों में मोती लूंग गुड़दा मुरकी या बाली आदि आभूषण पहने जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क जो है वो मुरकी कहलाती है। तो यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, जो ठोस सोने की कुड़क पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं, मुरकी। अब देखिए यहाँ पर एक स्त्री है जिसके सर पर पहने जा रही है राखड़ी बोर ठीक है, टीला सीसफूल। इसके अलावा देखिए गले में खुंगाली ये रही, गले में हालरो थमंडियो बजंटी है ना, नाक में पहने जा रही है लूंग और कांटो। पैरों में देखिए कड़ा तड़का आंवला हीरा नाई ठीक है, चौफली नेवरी जीवी कड़ा ताड़ा और ये गोलियां, ये सब कुछ पैरों में पहना जा रहा है। गले और पैरों में काफी आभूषण है जो आपको याद करने होंगे। आप लोग पहले भी याद कर चुके हैं, फिर भी यहाँ भी आपको अगर अलग कोई भी आभूषण मिलता है उसको भी आप अपने जहां भी आपने लिखे हो वहां ऐड करना है आपको। बाजू में देखिए, बाजू भुजबंद अगल टड्डी ये बाजू में पहना जाने वाला है। हाथ में देखिए गोखरू चूर नौगरी औचला हथफूल है ना, और अंगूठी में देखिए मुंदड़ी बीठी ये पहना जाता है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम क्या रखा, जौहरी बाजार रखा। तो देखिए, जौहरी बाजार कहाँ है, जयपुर में। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान में जो जयपुर है वहां अपने आभूषण के लिए और रत्न के लिए व्यवसाय में विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? नाथद्वारा, श्रीनाथ जी की नगरी है, जो कि चांदी के आभूषणों, तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, तो यह भी काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना है जयपुर, जिसे जहां पर जौहरी बाजार है और जहां पर आभूषण रत्न जो है वो मिलते हैं, विश्व प्रसिद्ध है जयपुर वर्तमान में। और चांदी का जो काम है वो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी में, श्रीनाथ जी की नगरी जो है वहां पर है, चांदी का काम होता है। और प्रतापगढ़ का जो थेवा कला है वहां पर कांच के बीच सोने का बारीकी काम किया जाता है। कांच जो होता है उसके ऊपर सोने की जो बारीकी काम जो है वो किया जाता है, जिससे कि थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो यहाँ के लिए फेमस भी है। तो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ ही देखिए, इसके जो बहुचयनात्मक प्रश्न है उनको भी आप देखिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कसुमल कौन सा रंग होता है? लाल, काला, सफेद, हरा, कौन सा होता है? हमने देखा था बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में ही देखा था, स्टार्टिंग में ही चैप्टर के। तो क्या होता है? लाल रंग होता है। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेछवा, पिपराली, खंडेला और खूंड। अब हमने याद तो कर लिया था कि सीकर जिले में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गोटा उद्योग है वहां पर, लेकिन हमने नाम शायद खंडेला पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद हो। अगर कुछ और भी आपको लग रहा है तो आप लोग बताइएगा। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर धारण करती है? हमने देखा था बोर बोरला कहाँ पर पहना जाता है? नाक, कान, हाथ या सिर? तो ये सिर पर पहना जाता है। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो हमने देखा था क्या कहलाता है, चूंप, बारी, बोरला या दामड़ा। तो क्या कहला जाता है? चूंप कहलाया जाता है वो। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? तो देखिए, चैप्टर के बिल्कुल अंतिम लाइन जो है वो आपकी एक क्वेश्चन बन गई है। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से संबंधित है, हमने बिल्कुल अभी ही पढ़ी है। तो चैप्टर स्टार्टिंग हो या बिल्कुल एंड हो, बिल्कुल उसका अंत हो, बिल्कुल एक एक लाइन जो है वो हमें याद करनी होती है। आपने यहीं पर देखिए 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए इस चैप्टर को केवल एक बार रीड करने पर ही। तो इसी तरीके से रीडिंग जो है वो जरूरी होती है क्वेश्चन आंसर को करने से पहले। चलिए, चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जो अगला चैप्टर होगा उसका नाम होगा राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।